दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में यह कहा कि यदि सेक्शन 47 के मुताबिक कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है लेकिन असेसी ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न किसी ट्रांजैक्शन पर टैक्स दे दिया है और अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में उसको इंक्लूड कर लिया है और इवन असेसमेंट के टाइम भी असेसी को इस गलती का नहीं पता चलता, तो असेसी के पास यह अधिकार है कि वो एपिलेट अथॉरिटी के पास भी इस इशू को रेज कर सकता है और एपिलेट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि जो अमाउंट एक्चुअल में टैक्सेबल नहीं है सेक्शन 45 के मुताबिक या सेक्शन 47 के मुताबिक या किसी और वजह से भी वो रिसीट टैक्सेबल नहीं है, तो कोर्ट्स के पास ये अधिकार है कि वो असेसिंग ऑफिसर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि उस अमाउंट को असेसी की इनकम में से एक्सक्लूड किया जाए।